राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दिल्ली प्रदेश ऑफिस पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार का जन्मदिन, के शर्मा नेशनल जर्नल सेक्रेटरी व अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर के शर्मा ने कहा कि ये जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। पवार साहब सबसे नेता है, फोटो लीजिए। जीते जीत खेचे आओ इधर आइए आधा लीजिए। सर आज शरद पवार जी का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में आप लोगों ने जन्मदिन में मनाया है, आप तो शब्द उनके विषय में थोड़ा जो कुछ भी कहना चाहे आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में। माननीय शरद पवार साहब से जब हम सब लोगों ने कहा कि सर हम लोग सब आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो माननीय पवार साहब ने कहा कि ये जन्मदिन मनाने का वक्त नहीं है, जब किसान परेशान है, किसान आंदोलन पर है, तो आप जन्मदिन मत मनाइए, बल्कि इस दिन आप किसानों की समस्याओं पर चर्चा कीजिए और उस पर क्या समाधान हो सकता है उस पर बात कीजिए। तो उसी संदर्भ में हम लोगों ने, हमारे जितने साथी हैं सब लोग यहाँ पर आए हैं और सब मिल करके अभी हम उनके किसानों की समस्या के ऊपर और किस तरीके से यूपीए के शासनकाल में माननीय पवार साहब के कृषि मंत्री के होते हुए जो काम हुए, जिस तरीके से कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ज़्यादा उनकी लागत का, उनकी उपज का दाम दिया गया, जिस तरीके से कि उनकी उनको एक्सपोर्ट करने के लिए उनको लाइसेंस दिया गया, और जब इतने पे भी उनकी हालत नहीं सुधरी तो आखिर में माननीय पवार साहब ने यूपीए सरकार में ये पास कराकर किसानों का कर्ज माफ़ किया। ये अपने आप में एक वो चीज़ है कि जो हम लोग कर चुके हैं और जो मील का पत्थर है। अब उसके बावजूद भी अगर किसान ये महसूस करते हैं कि हमारी ज़मीन चली गई, हमारी जायदाद चली गई, हमारा बिजनेस चला गया, हमारी रोजी रोटी चली गई, हमारा भविष्य चला गया, तो किसानों के मामले पे पवार साहब का आगे आना लाजमी ही है जी। और वो इसी संदर्भ में माननीय पवार साहब, माननीय राहुल जी और सभी विपक्ष के सम्मानित नेतागण महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले और उनकी समस्याओं से अवगत कराया। तो आज हम लोग उन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने के लिए और किस तरीके से किसानों को हम आगे उनकी सुविधा दे सकते हैं, उनके आंदोलन को किस तरीके से सरकार मान सकती है, उसमें विपक्ष का क्या अहम रोल हो सकता है, उन्हीं सभी बातों पर विचार करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और इसी रूप में हम जन्मदिन उनका, चूँकि पवार साहब तो वो पूरा जीवन उनका किसानों के लिए गया, चाहे कृषि मंत्री के रूप में, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे भारत सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में, वो हर समय किसानों के बारे में सोचते हैं। और इसकी पुष्टि तो विज्ञान भवन में खुद प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं, सारे नेताओं की मौजूदगी में, पूरे देश के नेता मौजूद थे उनके जब संसदीय जीवन के 50 वर्ष पूरे हुए थे उसके उस अवसर पर, अगर आपको स्मरण हो तो ये तो कोई सबको पता है। और हमें खुशी इस बात की है कि पवार साहब 24 घंटे किसानों के बारे में चिंतित हैं, और आज भी उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में ये कहा कि भाई किसानों के बारे में आप सोचिए, उसके लिए समाधान सोचिए, जन्मदिन की कोई आवश्यकता। सर एनसीपी की तरफ से क्या किसानों की किस तरह से मदद की जाएगी, आप लोग किस तरीके से उनके साथ देंगे, क्या कुछ कोई एजेंडा आप लोगों ने तय किया हो उस पर? किसानों के हम लोग सिद्धांत रूप से किसानों के लिए जो उनकी मांगे हैं उससे सहमत हैं, क्योंकि सरकार ने इतनी जल्दबाजी थी कि वो सत्र बुलाया और बिना विपक्ष से बातचीत किए, विपक्ष ये चाहता था कि इसको एक कमेटी में पहले भेजा जाए, उस पर डिस्कशन हो, उसमें कुछ सुझाव लिए जाएं और उसके बाद बिल पास हो। और अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूँ आज किसान सड़क पर नहीं होते। और हमें डर इस बात का है कि किसान बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े सौहार्द के साथ अपनी बातों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग और सरकार के लोग ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को उत्तेजित कर दें,
लेकिन ये आरोप तो सर विपक्ष पे लगा रहे हैं वो लोग कि वो लोग चाहते हैं कि इसको विपक्ष तो तरीके से, और उसमें खालिस्तान का नाम जोड़ रहे हैं, उसमें कई सारे ऐसे जो कि नहीं होने चाहिए, और कई सारे लोग पोस्टर लेके, वैसे किसानों ने ये चीज पुष्टि कर दी है कि हम लोग इनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग वहां दिखते हैं। देखिए, जहां तक विपक्ष का सवाल है, आज विपक्ष में कौन लोग हैं? आज विपक्ष में वो लोग हैं सदन के अंदर जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने आजादी में बलिदान दिए, और आजादी के बाद आजादी को सुरक्षित रखने के लिए भी उनके नेताओं ने बलिदान दिए, वो तो आज विपक्ष में हैं। और जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की जासूसी की, अंग्रेजों के लिए मुखबरी की, वो आज सत्ता में है, और वो तो कहेंगे कहेंगे। अगर वो हमारे सम्मानित, हमारे मेहनतकश सरदार किसानों को अगर वो खालिस्तानी कहते हैं उनके मंत्री, तो इससे बड़ी शर्म की बात भारत के लिए नहीं हो सकती। ये पूरे भारत का अपमान है, और इनके पास सिवा पाकिस्तान के, सिवा चीन के, कोई इन पे समस्या का इलाज ही नहीं है। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।